नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई वर्षों से एक पूरा की पूरा गैंग, एक वामपंथी गैंग हमारे धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़ा है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सी जगह पर आपने ये देखा होगा, भले वो फिल्में हैं, भले वो न्यूज है, वहां पर आपको हर जगह पर एक ही टैगलाइन नजर आती है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी फकीर ने, किसी मौलवी ने कोई गलत काम किया है, कोई दुष्कर्म किया है, तो उस जगह पर हमारे गुरु का नाम लिया जाता है, हेडलाइन होती है। यदि मान लो किसी मस्जिद या किसी चर्च में कोई गलत कार्य होता है, तो वहां पर चर्च या उस मस्जिद का नाम ना लेते हुए या उस वर्ड को ना लेते हुए वहां पर धर्मस्थल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वहां के किसी पादरी ने, चर्च के पादरी ने या किसी ऐसे मौलवी ने कोई गलत कार्य किया है, तो वहां पर उनका नाम ना लेकर, उस वर्ड को ना लेकर, बल्कि हमारा पुजारी कर दिया जाता है। ये सब बहुत सालों से किया जा रहा है। फिल्मों में भी आपको ऐसी चीजें बहुत से देखने को मिल जाती हैं जहां पर हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा किया जाता है कि वहां पर हमारे हनुमान जी का अपमान होता है, कभी शिव भगवान का। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जहां आपको साफ तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहां पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी खुद की जो देवी देवताएं हैं उनके नाम को ही इस तरीके से उनका नौकर या उस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा बना जाता है जहां पर हमें घृणा होने लगती है या उसे गलत दिखाया जाता है जिससे हमें घृणा होने लगती है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे न्यूज चैनल या न्यूज पेपर्स हैं जहां पर जानबूझकर हमारे हिंदू धर्म के लोगों को नीचा दिखाया जाता है। हाल ही में एक खबर ऐसी छपवाई गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 63 साल के पुजारी ने 12 साल की लड़की के साथ विवाह कर लिया या उसके साथ उसकी दुल्हन बन गई, इस तरह की हेडलाइन की जाती है। और ये हेडलाइन कुछ छोटे मोटे न्यूज चैनल की नहीं है, ये हेडलाइन की जाती है आज तक और लल्लन टॉप के द्वारा। ये दोनों बड़े से चैनल है, कुछ छोटे मोटे चैनल नहीं है। इन दोनों में बड़े 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 नेताओं का इंटरव्यूज भी होता है, लेकिन जानबूझकर हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए इन दोनों ने ऐसी खबर को छापा। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने प्रतिकार किया, उसके बाद इन्होंने अपनी हेडलाइन को चेंज किया, लेकिन फिर भी लल्लन टॉप के किसी भी हेडलाइन के अंदर चेंजिंग नहीं हुई। दरअसल ये जो कहानी है, ये 63 साल के व्यक्ति की कहानी है, ये घाना के, अफ्रीका के अंदर एक घाना प्लेस है, वहां के एक व्यक्ति की कहानी है। 63 साल का ये जो पादरी है, जो कि चर्च का एक व्यक्ति है, उस पादरी ने 12 साल की लड़की के साथ विवाह किया। हो सकता है वहां के लोगों को ये परंपरा सूझती होगी, वहां के लोग इस परंपरा के अनुसार चलते होंगे। वहां के न्यूज के अनुसार ये कहा जाता है कि उस पादरी ने कहा कि वो लड़की का पुनर्जन्म है और वो अपनी इस पूर्ति के लिए उस लड़की से शादी कर रहा है। लेकिन उस कहानी को जानबूझकर इन बड़े दो चैनल्स ने उसकी हेडलाइन चेंज करते हुए पादरी वर्ड की जगह वहां पर पुजारी वर्ड किया, ताकि आप अपने हिंदू धर्म के पुजारियों से नफरत करने लगे। देखिए ना किस तरीके से वहां चेंज किया जाता है, किस तरह की बातों को चेंज किया जाता है। जानबूझकर किया जाता है ताकि आपके हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा सके। हमारे यहां पर कोई भी ऐसा पुजारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरह का कृत्य नहीं करता, क्योंकि हम यहां अपने सनातन धर्म के खिलाफ मानते हैं, इसको उसके ऑपोजिट मानते हैं। लेकिन जानबूझकर, और ये आज से नहीं चल रहा, ये कई सालों से, पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। ये वामपंथी जो लोग हैं, इनकी सोच को आपको समझना होगा। अपने जो भी आप न्यूज चैनल देखते हैं उसे बहुत ही सोच समझकर चूज कीजिए। आप देखिए कि कौन आपको सच्ची खबर दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है। सिर्फ एक चैनल या एक न्यूज़पेपर पर अटक मत जाइए, बहुत से न्यूज़पेपर और चैनल्स को क्रॉस चेक कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे बहुत से शब्दों का खेल खेला गया है। जब भी किसी फकीर की बात आती है तो वहां पर तांत्रिक लिख दिया जाता है। तांत्रिक जानते हैं कि हिंदू वर्ड है, इसलिए जाऊंगे तांत्रिक लिखा जाता है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अगर चर्च लिखना होगा या फिर वहां पे मस्जिद लिखना होगा तो वहां पर धर्मस्थल कर दिया जाता है, ताकि ये लगे कि वो हिंदू शब्द का, हिंदू समुदाय से वो व्यक्ति है। जानबूझकर ऐसे शब्दों का खेल खेला जाता है। हम सबको सतर्क होना होगा। हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी अगर गलत न्यूज लिख रहा है तो हमें उसके प्रतिकार करना होगा, उसके खिलाफ खड़ा भी होना होगा। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।